stay here and I want to get married here. एक बार मैंने कह दिया ना कि हम यहाँ शादी इसी घर में होगी. जैसे शिवानी चाहती है. Actually, I'm sorry. सब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चाहती है कि उसकी शादी इसी घर में हो तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. इनफैक्ट मैंने आज शाम को इसी घर में हमारी एंगेजमेंट भी प्लान कर ली है. एंगेजमेंट क्या? ये कैसे हो सकता है? आज ये घर बरसों से बंद पड़ा हुआ है. अब सर 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 मैं सारे मैला सब कुछ मैं सारी अरेंजमेंट्स कर लूंगा. इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ कर भी लिया है. And I have a surprise for you too. Surely? I love surprises. Okay, Akash, for now I'll show you the house. Come on. Dad, I'll be right back. बेदी साहब, बहुत दिनों के बाद इस घर में रौनक का माहौल है. लो, आ गई दुल्हा दुल्हन. मेरी रिंग कहाँ है? रिंग मुझे प्लीज जल्दी से दे दो. आई कांट बिलीव मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है. मामा, रिंग. थैंक यू. चलो. शरण्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है. उसकी हर सांस, हर धड़कन मेरी है. जब शिव को पता चलेगा ये प्रॉपर्टी उसकी है तो क्लेम करने आ जाएगा. इसको तो मरना पड़ेगा. फाइनली हम ही तुमको देख सकते हैं.
Are you okay? Yeah. Good. Nice meeting you. And that's my mom, Madhvi baby. Ma'am. Fine, right? Yep. Just tired, I think. Great meeting you guys. Mom, Dad, आप दोनों तो जानते हैं मुझे हमेशा से ही फिल्म्स में काम करना था, सुपरस्टार बनना था, और मेरा वो सपना आकाश ने पूरा कर दिया। वो तो होना ही था। I need some space right now, okay? क्या करेंगे उस 6 फुट 4 इंच से लड़ेंगे हम नहीं ना चलो अब यहां से आकाश क्या हुआ यार मुझे ऐसा लगा जैसे सेम ऐसी कन्वर्सेशन मेरे साथ पहले कोई कर चुका है वो भी कहां जा रहे हो तुम क्या सीधा करोगे उसे डिस्टेंस देखा है वो इतना लंबा और तुम जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारे और उसके बीच में तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा हूं नहीं नहीं आकाश लेट मी जस्ट स्टॉप रिलैक्स आकाश कम क्या करेंगे उस 6 फुट 4 इंच से लड़ेंगे हम चलो अब यहां से आकाश क्या हुआ हर मुझे ऐसा लगा जैसे सेम ऐसी कन्वर्सेशन मेरे साथ पहले कोई कर चुका है दे जा वो होता है कभी कभी कम यो आकाश आई एम सो हैप्पी फाइनली मैं मूवी कर रही हूँ और वो भी तो केके के साथ हाँ लेकिन बहुत बदतमीज है सो तमीज नहीं हमारे घर में रहकर तमीज नहीं लिसन मैं उसके रूम में गई और एज यूजुअल मैं बहुत ज्यादा बोलने लगी और बस मेरी बातें करने लगी मेरी एंगेजमेंट मेरी रिंग दिस दैट तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना तो बस दैट्स द रीजन ही रिएक्टेड लिटिल प्योर बट आई कांट बिलीव इट दैट के क्रिश खन्ना
मेरे घर में. Oh my God. I can't believe this. Thank you so much. ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म का प्यार लौटकर वापस आ गया हो. अच्छा और मैं कौन हूँ? तुम? हम सिर्फ दोस्त हैं. मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है? I don't love you. मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ. You're my best friend. हम दोस्त हैं. वो मेरे पिछले जन्म का प्यार है और तुम इस जन्म के. और इस जन्म के साथ साथ आने वाले 7 जन्मों के लिए मैंने तुम्हें बुक कर लिया. अब मुझे सारी दोस्तों को बताना है कि केके मेरे घर में. कौन है तुम्हारे फ्रेंड्स? आदिति, शिल्पा, निधि एंड राधिका. क्या हुआ? आप ठीक हैं? क्या हुआ? नहीं लगता है ये बेहोश हो रही है. गुंडों ने क्या हाल कर दिया बेचारी का. How can you people be so careless? हाँ? तुम्हारी ये मेंटल हॉस्पिटल है या फिर मजाक है? तुम्हारे हॉस्पिटल की एक पेशेंट बार बार भाग जाती है, कैसे? मैनेजमेंट को तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में पेशेंट की ऐसे केयर करते हैं. सॉरी सर, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन पता नहीं बार बार ये कैसे भाग जाती है. सेम ओल्ड एक्सक्यूजेस, वही बहानेबाजी. ले जाओ इसे, दवाई करो इसकी और ध्यान रखो इसका. इन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इनसे कोई रिश्ता है मेरा? क्या मैं नहीं जानता हूं क्यों इनका दर्द मुझे अपना सा लग रहा है? और कौन है ये शिव? ज्यादा दिमाग पर जोर मत डाल वरना तुझे सब याद आ जाएगा. कॉफी. चाचा मैं अभी आती हूं. मिस बेदी, वो बूढ़ी औरत कौन थी? वाह, बड़े लोग स्केच करके भूल जाते हैं. ओके लिसन, टेल मी वन थिंग,
हम शूट कब से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि आकाश तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है. जस्ट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम टू टेल. मुझे कह के टेल मी ना, हम शूट करना कब? सॉरी, पर समझ नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं है. Sorry. I won't say anything now. अब मैं यहाँ से जाती हूँ, वरना अभी मैं कुछ देर और रुकी तो बहुत ज़्यादा बोलने लगूँगी और आपको वापस गुस्सा आ जाएगा. So you just have your breakfast और please किसी पे गुस्सा नहीं करना. I'm sorry. Sorry. शिवानी. I'm sorry. I am sorry. मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. लेकिन क्या करूं, जब से यहाँ पे आया हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है. अजीब अजीब सपने. और कल रात वो उस औरत को वो गुंडे मार रहे थे. आई डोंट नो, बस बहुत डिसओरिएंटेड फील कर रहा हूँ इसीलिए. But that's not an excuse. And I'm sorry. तो तुम्हें मेरी माफी चाहिए. हाँ. लेकिन शिवानी की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती. अच्छा, तो शिवानी की माफी के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर है? यस, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा. और ये जो पूरी फिल्म मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो काफी नहीं? नहीं नहीं नहीं, फिल्म के अलावा भी तुम्हारे पास एक और टैलेंट है. तुम मेरी स्केच बनाओगे अभी इसी वक्त. कम ऑन. व्हाट? यस, अभी. माफी चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, लेकिन ऐसे. चलो जल्दी से मेरी पेंटिंग करो. शिवानी, मैं ऐसे कैसे स्केच बना सकता हूँ? उसके लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है ना, और आई नीड टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. ओह, सेटअप. या वेट, आई विल अरेंज इट फॉर यू. क्या हुआ, बहुत बुरी बनी है क्या? आकाश, जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे बिल्कुल नहीं है. जस्ट एन एक्सीडेंट. ओके डूड, वो पेंट गिर गया था, हम फिसल गए थे. दैट्स इट. आकाश लिसन. Not again. Akash, 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 Akash. Wait. Listen to me, please. जैसे तुमने देखा वैसे कुछ भी नहीं है. तुम गुस्सा मत करो, please. तुम तो breakfast देने गई थी. तो फिर? I know. मैं breakfast देने गई थी. लेकिन जैसे ही मैं उसके room में पहुंची, मैंने उसकी paintings देखी. मैंने उससे कहा कि please मेरी भी तस्वीर बनाओ, और उसने मेरी तस्वीर बहुत जल्दी बना दी. इसके पहले कि मैं वो तस्वीर देख पाऊँ, सब गड़बड़ हो गया. पेंट गिर गया, मेरा पांव फिसल गया, और फिर के भी गिर गया. That's it. आकाश. शिवानी, कोई कितना ही फिसल जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम फिसल जाओ तो यहां बहुत फर्क पड़ता है. गणपति बप्पा.
अरे केके सर, बेबी, आप दोनों वहां पर क्यों खड़े हैं? आपकी मूवी का मुहूर्त है, आइए भगवान जी से आशीर्वाद लीजिए। आकाश जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब, दीपक तो आप ही जलाएंगे ना? जी, तो दीपक जलाएं। सर, मैं तो बोलता हूँ कि आपकी फिल्म ना सुपर हिट होने वाली है। उसका एक एक सीन, एक एक शॉट, एक एक डायलॉग सर कमाल होगा, हिस्ट्री बन जाएगी सर, हिस्ट्री। और सर क्लाइमेक्स तो हो, क्लाइमेक्स तो ऐसा है कि क्लाइमेक्स तो ऐसा होगा जैसे पहले कभी किसी ने किसी मूवी में नहीं देखा होगा। ये कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। चलो 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 गाइस, चलो यूनिट काम पे लग जाओ जरा। गाइस गेट बैक टू वर्क। आकाश थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे मत बोलो, थैंक यू केके को बोलो जिसने हमारी फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट किया है। थैंक यू। ये सर आपको कैमरा फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये पेन। कैसी चल रही है शूटिंग? अभी सेटअप हो रहा है, आइए मैं आपको सेट दिखाती हूँ, आइए। मॉम आएंगे? हाँ। डैड सी दिस, अभी काम चल रहा है, एक बार काम हो जाएगा तो लुक परफेक्ट। क्या होगा अगर उन्हें अपना अतीत याद आ गया तो? जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि इतिहास खुद को ना दोहराए। 5 मिनट में रोल करेंगे, ये शूटिंग नहीं होगी। सर क्या बात होगी, शूटिंग क्यों रुकवा दी आपने? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.